सोलन वासियों को जल्द ओपन एयर जिम की सुविधा मिलेगी। ये जानकारी वार्ड नंबर 6 के मनोनीत पार्षद भर्त साहनी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि ओपन एयर जिम शुरुआती तौर पर जवाहर पार्क में स्थापित किया जाएगा, जिसमें करीबन 8 मशीनें लगाई जाएंगी। सांसद वीरेंद्र कश्यप और नगर परिषद के सहयोग से इस ओपन एयर जिम का करीबन 5 लाख रूपये खर्च आएगा। मनोनीत पार्षद भर्त साहनी ने बताया कि ओपन एयर जिम जवाहर पार्क में स्थापित किया गया है। स्थानीय लोग पार्क में सुबह ही सैर के साथ साथ कसरत भी कर पाएंगे। ये सुविधा शहरवासियों को बिल्कुल निशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये उपयोग सफल हो जाता है तो इसी तरह के जिम अन्य वार्डों में भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ओपन एयर जिम हिमाचल का पहला जिम होगा जिसे नगर परिषद बनवाएगी। इसका उद्देश्य है कि जो युवा निजी जिमों में भारी फीस दे रहे हैं और जो वृद्ध पार्कों में सैर के लिए जाते हैं, वह कसरत कर अपने शरीर को रिस्ट पुष्ट कर सके। पहला ओपन जिम जो कि हिमाचल का पहला ओपन जिम होगा, ओपन एयर जिम, जो कि वार्ड नंबर 6 के जवाहर पार्क में बनेगा। और ये ओपन जिम लगाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आज की डेट में मोबाइल्स में और नशे के अंदर और खेल कूद छोड़ करके जो लोग प्राइवेट जिम्स के अंदर फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों के लिए ये योजना है। जो कि हरियाणा में भी आपने देखा होगा ओपन जिम्स बहुत बने हैं, उस तरह से ये पहला ओपन जिम पूरे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे हिमाचल प्रदेश का। माननीय सांसद जी ने जिसके लिए 2.5 लाख रुपए हमें दिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साथ में नगर परिषद अध्यक्ष का, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए अपनी तरफ से और इसको 5 लाख रुपए के राशि से ये पहला ओपन एयर जिम जो कि सोलन की जनता के लिए बनेगा।